थ्री टाइम्स ओंकार चैंटिंग। With natural breathing, Om. Can remove this wire, remove it. Thank you.
Right side is controlled by left nostril, and left side is controlled by right nostril.
say from left nostril and complete the cycle. Exhale through left nostril and slowly inhale. Exhale in double time. Vibrate. Just inhale. Thank you.
Thank you.
Meditation is one of the beautiful divine process to realize the divinity within us. ध्यान एक गंगा की तरह पवित्र बहती हुई धारा है, जिस धारा में हम बहते हुए सागर की ओर बहते रहते हैं. The aim of our life to flow the current like a Ganga water, holy water. जैसे गंगा बहती कल कल सिंगिंग करती हुई गाती हुई अपने लक्ष्य की ओर, और लक्ष्य है सागर से मिल जाना. सागर यानी सुपर पावर, सागर यानी सच्चिदानंद परमात्मा. सो एवरी आत्मा, प्रत्येक आत्मा पवित्रता के साथ साधना यानी बहना, उपासना यानी बहना, और हमारा लक्ष्य है बहते 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 कहते हुए कहते हैं बहता हुआ जल में कभी वंश नहीं होता, बहता हुआ जल में कभी स्मेल नहीं आता. द वाटर इज फ्लो, देयर इज नो स्मेल एंड वॉर्म्स. इसलिए सदा बहते रहना चाहिए और सदा फ्लो करने वाला अपने लक्ष्य की ओर पहुंच जाता है. सो आवर एम इज टू रियलाइज दिस सुपर पावर विद इन आवर सेल्फ. We are all have a divine superpower. Shiva resides in every heart. प्रत्येक जीव में शिव है. इसलिए हमें शिवोहम का अनुभूति करना चाहिए, जिससे हमारा लाइफ डिवाइन की ओर टर्न हो. एंड वंस डे विल रियलाइज व्हाट इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ. The human body is one of the supreme body. मनुष्य का शरीर इस संसार का सबसे सुप्रीम है. स्वयं परमात्मा हम सब को स्वयं अपनी स्वरूप जैसा बनाया है. इट मीन्स वी आर ऑल ब्यूटिफुल चिल्ड्रेंस ऑफ द सुपर पावर. हम सब परमात्मा के प्यारे प्यारे बच्चे हैं. So if we are a child of this superpower, then we have a superpower. यदि हम परमात्मा के बच्चे हैं, ईश्वर के संतान हैं, तो हमारे अंदर भी ईश्वर जैसा ही सब गुण होना चाहिए. आज हम डिस्कस कर रहे थे ब्रह्मचर्य, यानी ब्रह्म जैसा हमारा आचरण होना चाहिए. Our property is like a ब्रह्मा, अहम ब्रह्मास्मि. We are all ब्रह्म स्वरूप. सो ब्रह्म स्वरूपाय नमः. ब्रह्म जैसा स्वरूप है तो ब्रह्म जैसा आचरण होना चाहिए. आर कैरेक्टर इज गोइंग टू लाइक अ ब्रह्मा, देन आर लाइफ विल ब्लिसफुल, पीसफुल एंड हैप्पीनेस इज विद इन आवर सेल्फ. बाहर से कोई खुशियाँ नहीं, हमारे अंदर अनंत खुशियाँ हैं. वी हैव इनफाइनाइट हैप्पीनेस एंड ब्लिस एंड पीस ऑफ आवर माइंड इज कंटिन्यू. Because our mind is generated and operated through divine. There is no mind, there is no divine consciousness. मन की तरंग divine हो हमारे inner consciousness, तो हमारा mind भी divine होता है, sacred होता है, पवित्र होता है. और एवरी वर्क इज गोइंग टू डिवाइन, थ्रू डिवाइन. तो हर काम करने में हमारा डिवाइन का सपोर्ट होता है. एंड आर लाइफ इज गोइंग टू ब्लिसफुल, आनंद के साथ हम संसार में जीवन व्यतीत करते हैं. सी इज नेहा जी एंड सी इज ही इज देवांश. देवांश जी हैं. नेहा जी से बात करते हैं. व्हाट्स योर फीलिंग्स, आपका क्या अनुभव है? Feelings about. अच्छा, meditation, yes, it connects us to the divine power.
द सुप्रीम पावर एंड एज यू राइटली सेड एज स्वामी जी राइटली सेड हैप्पीनेस डज नॉट कम फ्रॉम आउटसाइड इट इज़ ऑल इनसाइड इट इज़ ऑल विद इन अस एंड सो टू फील द हैप्पीनेस विद इन अस आई बिलीव मेडिटेशन इज द ओनली वे to feel happiness within us is meditation and with the help of meditation we not only feel happiness within us but also generate more and more happiness within which we can also give to the world around us and that is what I feel if you feel blissful inside yourself you will also feel blissful anywhere else But the only important thing is to feel blissful first within yourself. Yes. And only then will you feel blissful outside. Yes. Very nice. Devans. Take a minute. मुझे पर्सनली लगता है मेडिटेशन इज़ अ प्रोसेस वेयर यू नो यू टर्न टूवर्ड्स योर सेल्फ दिस इज़ अ प्रोसेस वेर यू टर्न इनवर्ड्स सो बेसिकली व्हाट आई मीन बाय टर्निंग इनवर्ड्स इज़ यू सी अ ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ योर सेल्फ मेडिटेशन इज़ अ प्रोसेस वेर यू कैन कनेक्ट टू द कनेक्ट टू योर सेल्फ लाइक द ट्रू विच इज़ ट्रूली योर सेल्फ आई थिंक सो meditation you know helps us to reach that meditation helps us basically turning inwards like turning towards us and showing us our true selves and meditation is a process where like I feel personally that it helps us like reduce the our outer worldly worries and our stress and anxiety it reduces our it like to the extent of like it almost vanishes it so I personally think ki meditation karna is like a very helpful for reducing stress and for reducing anxiety thank you tomorrow we'll join morning at 6 o'clock tomorrow hum yoga of enlightenment ki practice karenge pranayama samasans and meditation कल सुबह 6 o'clock विल ज्वाइन अस ऑन फेसबुक ऑप्शन राइट साइड इन बिलो